बात करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में अगर तीन मेजर एरियाज में सक्सेस चाहिए, व्हाट आर दोस थ्री मेजर एरियाज? हेल्थ, वेल्थ विच इज मनी, फाइनेंसेस और रिलेशनशिप। क्या ये पॉसिबल है इन तीनों एरियाज में सक्सेस पाना पैरेलली टुगेदर साइमल्टेनियसली? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? क्या कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? इसके बारे में बात करेंगे हम। इसके बारे में बात करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में आज कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे हैं और आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है टू डिलीवर इन योर जॉब, उस मेंटल प्रेशर को आप हैंडल कैसे करें। और हम बात करेंगे, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि रवनीत आपके पास इतनी नॉलेज कैसे है अबाउट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एस्पेशली रिलेटेड टू माइंडसेट एट सच अ यंग एज? इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। So, we are going to talk about these questions today. So, if you want answers to this question, make sure you stay with me till the very end of this episode. Namaste, Sashagal, Salaam Alaikum and Jai Hind to all of you. I welcome all of you to the 13th episode of Relentless Talk with Ravneet. Just like every other episode, इस एपिसोड में भी हम तीन questions का आंसर करेंगे. So let's start with the first question that we have for today. Chetali, what's the first question? So this question is from Pankaj from Mumbai to WhatsApp. He's asking that I wish to achieve success in every area of life, health, wealth and relationship, and I understand these are the three focus areas of your paid mental toughness program as well. But I have heard a lot of successful people saying that and have seen that it becomes really difficult to achieve success in each of this together, because sometimes you need to compromise on something or the other. What is the name of the person? This is Pankaj. Okay, so Pankaj, bahut hi badhiya question hai, bahut badhiya question hai. Yes, आप सही हो कि मैं इन तीन एरियाज में हेल्प करता हूँ लोगों को, हेल्थ, वेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप थ्रू मेंटल टफनेस। आपका जो क्वेश्चन है इसको एक एक करके आंसर करते हैं। पहली चीज आपने बोली है कि मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को सुना है कि आप तीनों एरियाज में सक्सेस हासिल करना क्या पता पॉसिबल नहीं है टुगेदर साइमल्टेनियसली। आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। अगर आपने कितनी लोगों से सुन भी लिया है, so-called various successful people, anybody from business world, anybody from politics, anybody from spiritual world, anybody from sports, anybody from anywhere, अगर हमने किसी को सुन भी लिया है तो जरूरी थोड़ी ना कि हमने जो सुना है वो हमें अपनाना है। हमें अपना दिमाग भी यूज करना चाहिए। क्यों हम किसी और की लाइफ का पर्सपेक्टिव, किसी और की लाइफ के अचीवमेंट्स, उनके बेंचमार्क, अपने बेंचमार्क बनाए? अगर किसी ने बोल दिया ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो क्या हमें अपने अंदरूनी ज्ञान के बारे में, अंदरूनी ज्ञान को नहीं पूछना चाहिए कि हमें क्या लगता है कि कुछ पॉसिबल है नहीं है? तो पहला स्टेप तो वो, अगर मेंटली टफ बनना है तो जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल रवनीत सिंह चावड़ा ने बोल दिया उसको मान लिया, बिल्कुल नहीं। जस्ट बिकॉज एलन मस्क ने बोल दिया द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, जस्ट बिकॉज जेफ बेजोस ने बोल दिया, जस्ट बिकॉज नेल्सन मंडेला ने बोल दिया, जस्ट बिकॉज भगत सिंह जी ने बोल दिया, जस्ट बिकॉज किसी ने भी बोल दिया यार, इसका मतलब ये चुनी ना कि वो सच है आपकी लाइफ के लिए। तो आपको अपना दिमाग यूज करना, ये होगी पहली मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे। मैं भी चाहे कुछ बोलूं, आप अपने आप से पूछो कि हाँ मुझे क्या लगता है, पहला तो ये। अब दूसरा पॉइंट, अगर बहुत लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और तीनों एरियाज में सक्सेस पॉसिबल नहीं है, मुझे एक बात बताओ, अगर somebody is a rich person, somebody has a lot of money, but they don't have the health to enjoy that money. They are in the hospital bed, suffering from something or the other, some illnesses or the other. Is it really worth being rich? बिल्कुल नहीं। अगर आप rich हो, but आपकी relationship लोगों से है ही नहीं, you have no relationship in personal life, you have no relationship in professional life, people hate you, what kind of richness that you are enjoying in terms of wealth? अगर आपकी health है, but you are not having money, you're not having people to enjoy your health with, to enjoy the kind of energy levels that you have, what is the value of that health as well if you don't have money to enjoy? And yes, I mean that along with that you should have money to be able to enjoy your health as well. Along with your health you should have relationships as well to be able to enjoy your health with. Similarly for every other area,
These are three major areas of any human being life. इसका मतलब ये नहीं है और कोई major area नहीं है. Spirituality is also another major area. But अगर हम तीन major area की बात करते हैं, health, wealth, relationship, क्या point है कि मैं health में अच्छा हूँ और बाकी में खराब हूँ? नहीं, तीनों में achieve success करी जा सकती है together. मुझे एक बात बताओ. Today there are so many things that you're doing in your life on a day-to-day basis. आप सुबह उठते हो, when you wake up, do you tell yourself कि यार, I don't have time today. Either I should take a bath. Or I should just do brush, or I should just do poop, or I should just comb my hair. Are you telling yourself कि या तो मैं नहाऊं, या तो मैं बाथरूम जाऊं, या तो मैं कंघी करूं, या तो मैं एक... नहीं, आप सब करते हो. Because everything is supposed to be done. You're supposed to do everything. Similarly, क्या हम तीनों areas को life में एक normally बना सकते हैं कि मुझे health पे भी काम करना है, मुझे wealth पे भी काम करना है, मुझे relationship पे भी काम करना है. जो लोग बोलते हैं सेक्रीफाइस करना होता है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे को रिच बनना है, अगर मेरे को वेल्थ कमानी है, तो मुझे ना कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिलेगा फॉर मी टू बी एबल टू वर्क फॉर माय हेल्थ. आई नीड टू सेक्रीफाइस. नो, सबके पास 24 आवर्स है. देयर इज इनफ टाइम. जहां पे अपने आप को आप बोल देते हो ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम ये है दैट यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर बॉडी, योर एनर्जीज, योर माइंडसेट फॉर यू टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल टाइम. टाइम की कमी नहीं है. हम अपनी एनर्जीज को, अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को, अपनी बॉडी को कैसे मैनेज कर रहे हैं टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम दैट वी हैव इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड कि हम तीनों एरियाज को हर रोज कर सकते नहीं सकते. मैं हर रोज अपनी हेल्थ पे भी काम करता हूँ, हर रोज अपनी वेल्थ पे भी काम करता हूँ, हर रोज अपनी रिलेशनशिप पे भी काम करता हूँ. किसने बोला कि अगर मुझे वेल्दी बनना है तो मुझे 22 घंटे 20 घंटे अपने बिजनेस को देने हैं, अपने करियर को देना है, और मुझे हेल्थ पे ध्यान रखना, मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, मुझे लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाए? किसने बोला ये सब? बिल्कुल ये सब बकवास है. 24 घंटे बहुत होते हैं. 24 घंटों को यूटिलाइज कैसे करना है, उसके लिए वी नीड टू बी स्टेबल. Stable means we need to know how to manage our energies, how to manage our physical body, how to manage our mindset. Only if you are able to manage these things will we be able to make the best use of the time that is available with us, which is 24 hours every single day, to work on all these three areas together. So I hope this is going to help you. With this, let's move to the second question that we have for today. Chitali, what's the second question? So this question is from Puneet from Delhi. He is asking that I have been working in corporate from last 15 years in sales, but there is a lot of mental pressure to deliver. How do I handle this mental pressure to do the justice to my responsibility? Puneet, मैं आपको समझ सकता हूँ. एक टाइम पे मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता था. सो 15 साल से आप काम कर रहे हो और लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर है टू डिलीवर इन योर जॉब. इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज, सबसे पहली चीज समझते हैं. अगर हम सोचेंगे प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है टू परफॉर्म, टू परफॉर्म, टू परफॉर्म, हम कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएंगे, कभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं रहेंगे टू बी एबल टू एक्चुअली डिलीवर द रिजल्ट. जो भी बहुत संतुलित लोग आप देखोगे दुनिया में, संतुलित, स्टेबल, मेंटली टफ, संतुलित लोग, उनको भी अपने अपने करियर में, अपने बिजनेस में या किसी भी फील्ड में जो है, उनको अगर डिलीवर करना है इन दोज सो कॉल्ड प्रेशर सिचुएशन, पहली बात तो प्रेशर सिचुएशन को प्रेशर सिचुएशन लेते हैं. ये तो एक एक आम बात बन गई है कॉर्पोरेट में काम करते हैं. अरे मंथ एंड आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है, क्वार्टर एंड आ रहा है, प्रेशर है, प्रेशर है, तो लोग प्रेशर प्रेशर बोल बोल के ये सब बातें बन चुकी है. और फिर वो चीज जो प्रेशर होता है ना, वो आपका परफॉर्मिंग रहता. जो भी लोग संतुलित होते हैं दिमाग से, वो किसी भी सिचुएशन जब आपको डिलीवर करना होता है, चाहे वो लास्ट मिनट डिलीवर करना हो, चाहे कोई भी लास्ट बॉल पे छक्का मारना हो, वो उस सिचुएशन को प्रेशर नहीं लेते हैं. आप स्पोर्ट्स एथलीट्स को देखोगे, जो लोग एथलीट्स बोल भी देते हैं ना, और जो बहुत सारे कमेंटेटर बोलते हैं, दिस स्पोर्ट्समैन, दिस क्रिकेटर, दिस फुटबॉलर ऑलवेज डिलीवर अंडर प्रेशर, बुलशिट. पॉइंट इज, जो लोग डिलीवर करते हैं वो सिचुएशन को प्रेशर सिचुएशन देखते हैं, वो सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, MS धोनी को जब लास्ट बॉलों पे छक्के मार रहे होते हैं, कुछ लास्ट 6 बॉलों 20 रन चाहिए, अगर आप उस इंसान से बात करोगे ना, आई एम श्योर, मैं उससे मिला नहीं, उससे बात नहीं करी, बट आई एम श्योर क्यों बोलेगा कि वो सिचुएशन को ना, पहली बात, प्रेशर सिचुएशन देखता ही नहीं था, वो सिचुएशन को देखता था कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू परफॉर्म, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डिलीवर. Today, if I become the PM of this nation, I'm not going to take it as a pressure. 1.3 billion people ki expectation leke chal raha hu. Arre, I will take it as a privilege, as an opportunity to be able to deliver. Perspective change hona chahiye. जब आपका मंथ एंड क्वार्टर एंड ये सब आ रहा है, आप प्रेशर 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 लोगे तो कभी डिलीवर नहीं कर पाओगे.
क्यों? क्योंकि वो हमें enjoy नहीं करने देता उस situation को. Privilege की तरह लो. पहला step, don't take any situation to deliver on your KRS and KPIs as a pressure situation. It's a privilege, it's an opportunity for you to perform. Second thing, अगर आपको वो pressure लग रहा है तो कहीं ना कहीं क्या पता आप enjoy नहीं कर रहे हो. Enjoy नहीं कर रहे हो उस चीज को. अगर enjoy नहीं करोगे तो obviously आप उसको एक भार की तरह लोगे, एक pressure की तरह लोगे. तो आपको ये देखना है कि मैं enjoy क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों enjoy नहीं कर रहा हूँ, कैसे enjoy कर सकता हूँ. Second step वो. और थर्ड स्टेप, आप इसलिए उसको प्रेशर की तरह ले रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो रिजल्ट पे, आप प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे. अगर आप सेल्स में हो और अगर आपको लास्ट एक महीने में आपको बहुत बड़ा नंबर करना है अपनी कंपनी के लिए, तो आप उस चीज को पहले प्रोसेस को फोकस करो कि अगर मुझे नंबर करना है, विच आर द अकाउंट दैट आई कैन टेक दिस नंबर फ्रॉम, विच आर थिंग्स दैट आई कैन सेल इन दीज अकाउंट्स, which are the new clients that I can make if I want to make new clients, can I sell something to the existing client, what is the process, whom do I need to meet, when do I need to meet, inko kya pitch karna hai, pitching kaise honi chahiye, kya budget dena chahiye, kya quotation deni chahiye, competition kaise analyze karo, process focus karo, par dimag focus hai result pe, order aana chahiye, PO aana chahiye, PO aana chahiye, result pe zyada focus hoga na, tab cheeze process bhool jaoge, process pe focus nahi kar paoge to result kabhi nahi aayega. Ab jo main baat bol raha hu to aap bologe Ravneet रिजल्ट ही मैटर करता है, पूरा उसको तवज्जो देते हैं, पानी देते हैं, सॉइल देते हैं, सब कुछ जो उसको देना होता है उस पेड़ को बढ़ाने के लिए सब कुछ देते हैं. पहले साल चाइनीज बैम्बू ट्री जरा सा नहीं बढ़ता, दूसरे साल भी देते रहते हैं जरा सा नहीं बढ़ता, तीसरे साल भी देते रहते हैं जरा सा नहीं बढ़ता. बहुत लोग तो गिवअप मार देंगे कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सॉइल दे रहा हूँ, मैं फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ, मैं पानी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ जो करना चाहिए फॉर मी टू बी एबल टू ग्रो दिस ट्री, बढ़ी नहीं रहा. लोग गिवअप मार देंगे, क्विट मार देंगे दूसरे साल में. बट जो लोग तीसरे साल चौथे साल लगे रहते हैं, छठे साल में वो चाइनीज बैम्बू ट्री ग्रोज बाय मल्टीपल फीट इन जस्ट सिक्स वीक्स टाइम. इन जस्ट सिक्स वीक्स टाइम इट ग्रोज बाय मल्टीपल फीट. इसका मतलब ये नहीं कि वो छठे साल में ग्रो हुआ है, वो ग्रो हुआ है वो छह साल की मेहनत की वजह से. कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब प्रोसेस पे फोकस करोगे ना, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे आज नहीं कल आएगा. तो अगर आज आप प्रेशर ले रहे हो, इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप प्रोसेस फोकस नहीं कर रहे हो रिजल्ट पे. तो तीन मैंने चीजें बताई. पहला, कोई भी सिचुएशन प्रेशर सिचुएशन की तरह ट्रीट मत करो, उसको अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एज अ प्रिविलेज टू परफॉर्म. क्योंकि एक स्टेबल माइंड ही चीजों को लेके जा सकता है अंत तक. अनस्टेबल माइंड है, प्रेशर कुकर ला के रखा हुआ है, वो कभी चीजों को रिजल्ट पे लेके नहीं जाएगा. तो आपको एज अ प्रिविलेज देना चाहिए, एज एन अपॉर्चुनिटी देना चाहिए. सेकेंड, आपको फोकस करना चाहिए प्रोसेस पे कि मुझे क्या करना है टू बी एबल टू गेट टूवर्ड्स दैट रिजल्ट ऑफ अचीविंग माई सेल्स नंबर. थर्ड, आपको ये देखना है कि आप एंजॉय करो प्रोसेस को. अगर एंजॉय नहीं करोगे, अगर एक भार की तरह वो जॉब लग रही है, क्या पता यू आर नॉट एंजॉयिंग योर जॉब, क्या पता यू आर नॉट एंजॉयिंग योर कंपनी, क्या पता यू आर नॉट एंजॉयिंग द पीपल दैट यू वर्किंग विद. एंजॉय नहीं करो तो फिगर आउट करो कि कैसे एंजॉय कर सकता हूँ. ये तीन चीजें करोगे तो ये मेंटल प्रेशर आएगा ही नहीं. प्रेशर तो क्रिएट किया गया है बाय योर दिमाग, और वो प्रेशर हट भी सकता है बाय योर दिमाग, बाय योर माइंड, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू do. So I hope this is going to help you with this. Let's come to the third and the last question that we have for today. This question is from Hari from Pune. He says that I have been following you from last 3.5 years, and around 2 years back I went through your mental toughness program and it completely changed my life. I don't have any question, but I just want to ask you how come you have so much knowledge of so many areas and especially mindset at such young age? सो हरी, मैं ग्लैड हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम हेल्प करा जब भी आपने ज्वाइन करा था. सो आई एम ग्लैड फॉर दैट. आपका जो क्वेश्चन है कि मेरे पास इतनी नॉलेज कहाँ से. पहली बात, इस दुनिया में किसी इंसान को कितनी भी नॉलेज हो ना, इज गोइंग टू बी नथिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज देयर टू नो. नोबडी शुड बी प्राउड ऑफ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ नॉलेज, द अमाउंट ऑफ विजडम दैट दे हैव. यू शुड ऑलवेज be proud of what you do not know, because only when you are proud of what you do not know, there is going to be curiosity that mujhe ye bhi seekhna hai, mujhe ye bhi seekhna hai, mujhe ye bhi seekhna hai, mujhe ye bhi seekhna hai. So pehli cheez ki kisi ke paas including me kitne mein knowledge ho, is nothing.
with respect to what all is there to know. ये humbleness, ये groundedness रहना चाहिए. और ये groundedness इसलिए रहना चाहिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, I want to come across as a humble person. अरे humbleness ये हर एक इंसान के अंदर एक quality होनी चाहिए क्योंकि हमारी औकात नहीं है human beings की हम किसी भी चीज के लिए घमंडी हो सके. तो पहली चीज ये कि जो भी मेरे पास knowledge है is nothing respect to what all is there to know. Second, ये knowledge आई कहाँ से? जितने भी एक limited knowledge है, इस कहाँ से आई? जो भी मैं सिखाता हूँ मनी हेल्थ और रिलेशनशिप पे थ्रू माइंडसेट, ये कहाँ से सिखाता हूँ? मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सिखाता हूँ. बिकॉज मैंने खुद सफर करा है हर एक चीज से. आई हैव फेस चैलेंजेस इन मनी, आई हैव फेस चैलेंजेस विद माय हेल्थ, आई हैव फेस चैलेंजेस विद रिलेशनशिप. एंड द रीजन आई फेस चैलेंजेस विद ईच ऑफ दिस थ्री एरियाज बिकॉज मैंने चैलेंजेस फेस करे अपने माइंडसेट के साथ, अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन, अपनी ओवरथिंकिंग, अपनी लैक ऑफ इमोशंस, हर चीज यहाँ से सफर करी. बिकॉज ऑफ विच आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट इन माई हेल्थ, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज नॉट रिलेंटलेस in being able to make sure that I am making progress in my career or my business, to be able to earn a lot of money, to be able to know how to invest money. And because I was not emotionally mentally strong enough to deal with myself is the reason my relationships were not great. तो मैंने पहले अपने माइंडसेट पे, अपने मेंटल टफनेस पे काबू पाया. इसकी वजह से मैं तीनों एरियाज पे कर पाया. तो जो भी मैं सिखाता हूँ, जो भी मेरी नॉलेज है मेरे अपने एक्सपीरियंस की वजह से, इसी वजह से मे बी कि जो भी मेरे साथ लोग आते हैं मेरे प्रोग्राम्स में, by भगवान की grace, God grace, 80% people get results and which is a huge, huge number. जो 20% नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते because वो implement करना बिल्कुल भी नहीं चाहते. मैं पहले सिखाता ही हूँ कि implement करो, because implement तब होता है जब आप अपने दिमाग को control करना चाहते हो. पर अगर आप classes में आओगे नहीं, अगर आप बीच में छोड़ दोगे, तो obviously मैं क्या, कोई भी नहीं आपको हेल्प कर सकता. और मैं हेल्प नहीं करता, मैं सिर्फ आपका एक मीडिएटर हूँ, एक बीच में एक ब्रिज है. हेल्प तो आप ही अपने आप करते हो. तो आपका जो क्वेश्चन है, मेरे पास जो भी ज्ञान है वो कहाँ से है? वो ज्ञान इसलिए बिकॉज मैंने खुद सफर करा अपनी लाइफ में, खुद उसके ऊपर सक्सेस पाया और वही चीज मैं सिखाता हूँ और वही चीज लोगों को हेल्प करती है. दैट्स इट, दिस इज एज सिंपल एज दैट. So with this, we have come to the end of 13th episode of Relentless Talk with Anmeer. I hope this episode has helped you. अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, ask me on my Facebook, on my Instagram, LinkedIn, Twitter or on my office WhatsApp number. And your question might get picked in the next consecutive episodes. I'm going to see you in the next episode of Relentless Talk with Anmeer next week.